तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस न्यू अपडेट की फिक्स डेट। हाँ भाई, न्यू अपडेट की फिक्स डेट आ चुकी है और ये भी आ चुका है गाइस न्यू अपडेट में क्या आने वाला है, सब कुछ इस गेम के डेवलपर ने बता दिया है। और हाँ गाइस, जो अपना प्लगइन एप्लीकेशन है ना, आप लोग उसको कैसे अपडेट कर सकते हो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को जल्द से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और यार मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट गाइस, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्लगइन एप्लीकेशन का अपडेट के बारे में। देखो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पर 15 डायल कर दोगे ना, तो गाइस 15 से यहाँ पर स्पॉन हो जाएगा भाई डांसिंग गर्ल। लेकिन गाइस ये तो भाई डांसिंग गर्ल है, लेकिन गाइस अगर हम आप लोग यहाँ पर 16 डायल करोगे ना, तो 16 से गाइस यहाँ पर स्पॉन हो जाएगा न्यू व्हीकल। अब आप लोग कैसे करा सकते हो मैं आपको बताता हूँ कौन सी फाइल लगेगी उसके लिए। लेकिन यार सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो भाई, अपना ट्रेन स्टेशन है और यहाँ पर देखो पूरा चेंज हो चुका है भाई। यहाँ पर एंट्रेंस गेट भी बना दिया है, मतलब जहाँ से हम एंटर कर सकते हैं अपने ट्रेन स्टेशन। टनल कहाँ से आ गई भाई, ये देखो गाइस यहाँ पर आ चुकी है। एंड गाइस अभी तो सिर्फ टनल ही है, अभी देखो मैं कहां पर जा रहा हूं गाइस, मैं जा रहा हूं पता है कहां पर भाई, बहुत ही प्यारी सी चीज दिखाने आप लोगों को भाई, इतनी बढ़िया चीज है ना वो, सच में आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा उसे देखने के बाद। ये देखो गाइस मैं कहां पर आ चुका हूं भाई, ये है क्या है, देखो अभी मैं पहले एंटर करता हूं इसके अंदर भाई। ठोक दिया यार फ्रैंकलिन ने अपनी निशान दी यार। ये देखो भाई अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा है भाई, इसके अंदर बस डायनासोर ना हो वरना वो मार देगा अपने इस प्लेयर को। ऑल राइट, आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा है, यहाँ पर पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, ये मुझे गाइस उसकी तरह लग रहा है। यहाँ पर देखो ये जू की तरह लग रहा है गाइस, अगर यहाँ पर कोई भी एनिमल वगैरह ऐड कर दिया जाए ना, मान लो यहाँ पर डायनासोर स्पॉन करा दिया जाए, तो यहाँ पर मैं कराता हूँ डायनासोर को 5-1 चीट कोड से मैंने करा दिया। एंड गाइस अब देखो अब सही लग रहा है यहाँ पर, मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे जुरासिक पार्क होता है या फिर होता है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आप लोग देखो बाकी यार मस्त है जो भी है। तो ये मैंने कैसे ऐड किया चलो मैं आपको बताता हूं, लेकिन गाइस मैं अभी आप लोगों को एक और बड़े सी चीज दिखाता हूं भाई। अब जो मैं चीज गाइस आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं ना, उसे देखने के बाद सच में आप लोगों का दिल खुश होने वाला है भाई, सच में आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे वो देखने के बाद। क्या है चलो फटाफट से चलते गाइस, यहां से मैं इसको ले लेता हूं अपनी फॉर्च्यूनर को, इससे चलते गाइस वहां पर। अभी प्रॉपर लोकेशन देखो आप लोग भी, क्योंकि आप लोग भी गाइस वहां पर जा सकते हो। आप लोग पहले लोकेशन देखो जरा, आपको करने के गाइस आप लोग जैसे घर से निकलते हो तो भाई आप लोग घर के पीछे की साइड आ जाना है जी, यहाँ की जो अपना घर है ना इसके पीछे की साइड से आप लोगों को निकल लेना है। सो भाई यहाँ पर देखो मैं आ चुका हूँ, अब आप लोग करना है आप लोगों को सीधे चलते रहना है जहाँ पर अपना कार शोरूम है वहाँ पर जाना है आप लोगों को। तो भाई देखो मैं वहीं लेके जा रहा हूँ अपनी इसको फॉर्च्यूनर को, और भाई साहब तो भाई देखो यहाँ से गाइज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अपना क्या है, ये है कार शोरूम। लेकिन गाइज अभी आप लोग करना क्या है, जो कार शोरूम है ना इसके आप लोगों को थोड़ी पास से निकाल लेना है कार को। एंड भाई जैसे आप लोग गाइज सामने जाओगे तो यहाँ से गाइज आप लोग बहुत सारी ट्री देखने को मिल जाएंगे, एंड एक बहुत बड़ी सी चोंच सी पता नहीं वो क्या है वो देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग करने क्या है गाइज, अब गाइज आप लोग अपनी कार के जो यहाँ पर ब्रेक लगा देने। एंड भाई जो अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ना, सच में दिल खुश होने वाला है आप लोगों को। देखो दिखा दूँ गाइज आप लोगों को, सो 3-2-1 एंड गो गाइज। ये देखो ये पता है क्या है, अभी मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं थोड़ी आगे लेके जाता हूँ बिल्कुल सामने, फिर देखना आप लोग भाई सच में मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों ने देख लिया तो। तो भाई देखो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं भाई, चल यार फ्रैंकलिन जल्दी से भाग फटाफट से, बहुत ही धीरे धीरे भाग रहा है यार अपना ये फ्रैंकलिन, चल यार जल्दी। देखो गाइज आप लोग यहाँ से देखो, मतलब थोड़ा आप लोगों को अंदाज़ा लग चुका होगा ये है क्या है। वैसे यार इसका जो मेन गेट है वो कहाँ पर है यार, एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं कार को ही ले लेता हूँ, ये तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है अपना फ्रैंकलिन। तो भाई फटाफट से लैम्बोर्गिनी से चलते हैं, इसके मेन गेट किधर है, सबसे पहले मेन गेट ढूंढते हैं इसका, जहाँ से एंट्रेंस गेट हो वो ढूंढते हैं सबसे पहले हम इसका। सो एंटर गेट वाला, सो एंटर गेट किधर है अपना देख लेते हैं चलो। ऑल राइट गाइज, ये है अपना एंट्रेंस गेट। अब देखो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाएगी बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ भाई, जिसने भी बनाया एक नंबर बनाया गाइज। क्या है पता है ये गाइज, ये है अपना राम मंदिर। आप लोग देखो बिल्कुल राम मंदिर की तरह लग रहा है ये, बिल्कुल सेम टू सेम बनाया है, मतलब आप लोग देखो यहाँ पर बिल्कुल मस्त लग रहा है, बिल्कुल रियलिस्टिक। अभी मैं आप लोगों को अंदर जाके दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इसके पास में। एंड देखना गाइज यहाँ पर सच में बहुत ही बढ़िया बनाया यार ये जिसने बनाया, ये देखो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं। एंड अभी थोड़ी और अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है में। भाई देखो यहां पर गाइस जय श्री राम भी लिखा है भाई, गाइस ये देखो भाई यहाँ पर जय श्री राम भी लिख दिया है, आप लोग देखो यहाँ पर सामने देखो वो लिखा है जय श्री राम। भाई यार क्या मस्त बनाया है जिसने बनाया ये, आप लोग देखो यहाँ पर काफ़ी सारी जगह जय श्री राम लिखा है। और अभी मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ अंदर से, ये देखो भाई यहाँ पर जो है कुछ ऐसा देखने को मिलता है आप लोगों को राम मंदिर। अभी यहाँ पर हम इसके गाइस फर्स्ट फ्लोर पर भी चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है नया। सो ये अपना स्टेयर्स है, यहाँ से चलते हैं। तो भाई चल यार फ्रैंकलिन भाग फटाफट से, बहुत ही धीरे धीरे भाग रहा है तू। तो यहाँ पर गाइज मैं आ चुका अपने फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ पर जो है गाइज आप लोगों को
ये ऐसा कुछ देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर बहुत सारे वाटर कूलर्स भी है, यहाँ से आप लोग पानी वगैरह पी सकते हो। देखो काफ़ी सारे वाटर कूलर्स भी है एंड यार यहाँ पर डस्टबिन वगैरह भी है, तो अच्छी बात है। देखो गाइज यहाँ पर अपना मस्त लग रहा है, अपना राम मंदिर आप लोग खुद ही देखो क्या गजब यहाँ पर लग रहा है। तो गाइज आप लोग इसको कैसे ऐड कर सकते हो, चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ। लेकिन यार इससे पहले गाइज मैं आप लोग को प्लगइन के अपडेट के बारे में बता देता हूँ और प्लगइन के कुछ चीट कोड्स भी बता देता हूँ। जैसे गाइज आप सबको पता है अपना प्लगइन का अपडेट आया ना अभी कुछ टाइम पहले, उसमें गाइज आप लोग एक गर्ल देखने को मिली है जो कि डांस करने लगती है, जिसका चीट कोड है 15। अभी आप लोग उसको फिर से स्पॉन करा दो फिर से हो जाएगी, इस बार व्हाइट कलर में आएगी। और अगर आप लोग एक बार और ट्राई करोगे ना तो इस बार ये पिंक कलर में आ जाएगी। ये देखो ये मैंने स्पॉन करा दी, देखो भाई पिंक कलर में हो चुकी है इस बार स्पॉन। बात कर लेते और क्या आया है प्लगइन में। देखो गाइस प्लगइन में अभी तक तो सिर्फ वही चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि पहले भी थी। जैसे गाइस अगर आप लोग 1 डायल करोगे तो भाई 1 से अपनी बाइक आएगी, और अगर आप लोग 2 डायल करते हो तो भाई 2 से गाइज अपनी ये आ जाएगी लैम्बोर्गिनी। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पर 3 डायल करते हो 3 से गाइज वही स्पॉन होगा अपना मॉन्स्टर जो कि आप लोग पहले भी देखने को मिलता था। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पर 4 डायल करोगे तो भाई 4 से जो गाइज यहाँ पर वही आ जाएगा अपना स्नैक मॉन्स्टर। और गाइज अगर आप लोग 5 डायल करोगे तो भाई 5 से देखते क्या आता है, भाई 5 से यहाँ पर गाइज अपना ईगल आ चुका है। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पर 6 डायल करोगे तो भाई 6 से जो गाइज अपना यहाँ पर ही आ जाता है एलिफेंट, जो कि पहले भी हमें यही देखने को मिलता था अपने 6 चीट कोड में। एंड गाइज 7 डायल करते हैं हम तो भाई 7 से यहाँ पर देखो क्या आता है, भाई 7 से आ जाती है अपनी यहाँ पर ओमनी, ओमनी बहुत तेज भागती है। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पर 8 डायल करोगे तो भाई 8 से गाइज अपनी स्विफ्ट कार आ जाएगी। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पर डायल करते हो 9 तो भाई 9 से आ जाता है अपना मिनी ट्रैक्टर। अब देखो गाइज इसमें बड़ा ट्रैक्टर भी आ रही है, देखो भाई ये क्या हुआ यहाँ पर, दोनों को एक साथ चिपका दिया था मैंने। भाई इसमें मिनी ट्रैक्टर तो है ही ऐड, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर अपना बड़ा वाला ट्रैक्टर भी ऐड है जिसके पीछे ट्रॉल भी होती है, उसका चीट कोड है गाइज अपना 5643। देखो ये भी स्पॉन हो चुका अपना स्वराज, ये लिखा स्वराज वाला ट्रैक्टर है ये। ऑलराइट गाइस चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चीट कोड की तरफ, जो कि इस बार अपना 10 होने वाला है। अगर हम यहाँ पर 10 डायल कर देंगे तो भाई 10 से जो गाइस यहाँ पर स्पॉन हो जाएगी अपने बफेलो। ये देखो भैंस भी यार यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है। और यार आप लोग इसके ये देखो ये सींग देखो आप लोग इसके क्या तगड़े यहाँ पर ये है भाई साहब, अपनी खतरनाक लग रही है भैंस। तो चलो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट चीट कोड की तरफ, जो कि इस बार 11 होने वाला है। अगर हम 11 डायल कर देंगे ना तो 11 से गाइस अपना लॉयन आ जाएगा। देखो लॉयन भी अपना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये देखो भाई मैं इसके ऊपर यहाँ पर मार रहा हूँ गुत, एंड भाई साहब ये लिपट चुका अपने स्प्लेयर को। तो यहाँ पर फटाफट से आरपीजी चला देता हूँ, लेकिन यार आरपीजी जैसे ही मैंने चलाया ना तो यहाँ पर तो अपना फ्रैंकलिन भी मर चुका है जो अपना प्लेयर है। ऑलराइट गाइस चलो बढ़ते हैं इस बार अपने नेक्स्ट चीट कोड की तरफ। अभी तो मैंने यहाँ पर 11 डायल किया था, गाइस यहाँ पर हम डायल करते हैं 12 से देखते हैं क्या आता है। तो भाई चलो निकालते हैं सेल फोन को, ये मैंने निकाले, चलो यहाँ पर डायल करते हैं 12, ये मैंने डायल कर दिया है। तो करते गाइज यहाँ पर एंटर, मैंने एंटर भी कर दिया, लेकिन यार 12 से जो गाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। इसका मतलब यह है गाइज जो अपना प्लगइन है उसमें जो गाइज सिर्फ आप लोगों को 11 तक ही चीट कोड देखने को मिलते हैं, मतलब 11 तक ही मॉडल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर 12 डायल करोगे तो जो 12 चीट कोड है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, वो 13 भी नहीं करेगा एंड 14 भी नहीं करेगा, सीधा करेगा आप लोग का 15। तो भाई सीन कुछ ऐसा है गाइज जो अपना न्यू अपडेट आएगा ना इस बार उसमें जो गाइज आप लोग को 12 में पक्का कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। जी हाँ कि जो अपना 12 चीट कोड है उसमें 110% आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर 12 में अपना कुछ नहीं है, 13 में कुछ नहीं है और 14 में कुछ नहीं है, सीधा 15 में है। तो भाई यहाँ पर पूरे पूरे 3 जो चीट कोड है वो अपने खाली है। तो गाइज इन तीनों में आप लोग क्या ऐड करवाना चाहते हो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि गाइज जो इस बार अपना अपडेट आएगा प्लगइन का उसमें जो गाइज सीधा आप लोगों को पूरी पूरी नई 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। जी हाँ गाइज पूरी पूरी 3 नई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी अपने प्लगइन वाले एप्लीकेशन में। तो भाई आप लोग उन तीनों में क्या क्या नया देखना चाहते हो मुझे बता दो, कौन सी कार को देखना चाहते हो या कौन सा व्हीकल देखना चाहते हो मुझे फटाफट बता दो, आप लोगों के लिए वही नई 3 चीज ऐड करवा दूंगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं आप लोग यहां पर राम मंदिर वगैरह को कैसे ऐड कर सकते हो और टनल वगैरह को और जू वगैरह को कैसे ऐड कर सकते हो। देखो गाइस आप लोग करने के गाइस आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। जी हां गाइस वहां पर आप लोगों को राम मंदिर का भी लिंक मिल जाएगा एंड अपने जो वो टनल थी ना ट्रेन स्टेशन की और जो जू था वो, तो दोनों का लिंक मिल जाएगा आप लोग को वहां पर। तो आप लोग गाइस आप लोगों को फर्स्ट लिंक को कॉपी करना है, जैसे आप लोग कॉपी कर लेते हो उस लिंक को आप लोग करने के गाइस आप लोग को अपने गेम को स्टार्ट कर लेना है। और गेम को जैसे स्टार्ट कर लोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप लोग करने के गाइस आप लोग इंटरनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इंटरनेट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को पेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग करने के आप लोगों को सिंपली अपना डाटा कनेक्शन ऑन करके पेस्ट पे क्लिक कर देना है। आप लोग जैसे पेस्ट पे क्लिक कर दोगे तो गाइस जो आप लोग की फाइल है वो यहाँ पर लोड हो जाएगी। फिर आप लोग करने के गाइस आप लोग गेम को कट करना है और गेम को रीस्टार्ट करना है। गाइस आप लोग जैसे गेम को रीस्टार्ट करोगे और गाइस आप लोग जैसे अपने कंस्ट्रक्शन एरिया पर जाओगे तो गाइस वहाँ पर जो है आप लोगों को राम मंदिर 110%
ब्रांड देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं अपने जू के बारे में। वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने जो ट्रेन स्टेशन पर काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, लाइक वहाँ पर अपनी टनल वगैरह ऐड हो चुकी है, तो उसको कैसे कर सकते हो, उसके लिए गाइस आप लोग करने गए फिर से आप लोग लिंक कॉपी करना है डिस्क्रिप्शन में जाके, फिर से आप लोग यहीं पर आके पेस्ट कर देना है और फिर आप लोग करने गाइस आप लोग गेम को कट करके अब आप लोग अपने ट्रेन स्टेशन पर जाना है और गाइस आप लोगों को वहाँ पर जो है काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अपने ट्रेन स्टेशन पर। तो गाइज आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे। तो गाइज अब बात कर लेते हैं अपने जो न्यू अपडेट है वो कब आएगा। तो गाइज इस गेम को जो न्यू अपडेट है वो आप लोगों को इस मंथ के एंड तक देखने को मिलने वाला है। जी हाँ गाइज ऑलमोस्ट आप लोगों को 7 से 10 डेज में इस गेम का न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइज कुल मिलाकर यह है गाइज आप लोगों को ऑलमोस्ट पूरे 10 दिन में इस गेम का न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा या उससे पहले भी देखने को मिल सकता है। तो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला था। आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे, समझ गए तो वीडियो को जल्द से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइज मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए गाइज। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।